E due to uniformly charged solid sphere. अब बारी है किसकी, solid sphere की, और solid sphere क्या है, non conducting, it's not a conductor, it's a non conductor, बताया था मैंने, पर ये लिखा नहीं होता, पता ही है वो तो by default के non conducting होगा. तो you have to calculate electric field intensity due to a solid sphere non conducting. तो इसमें सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, एक solid sphere लेंगे. एक सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है, एंड ये स्मॉल आर है. तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको ई निकालना है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रो, रो का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम. तो कितना चार्ज है, क्यू, कितने वॉल्यूम के ऊपर है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक. तो इसके अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको ई निकालना है. तो पहला केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. अब यानी कि मैं पहले ई कहाँ निकालूंगा, सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालूंगा. तो अगर मैं सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालूंगा तो जहां मुझे ई निकालना है वहां क्या कंसिडर करूंगा, गॉशियन सरफेस. ठीक है, तो ये देखो ये रहा. तो जहां मुझे ई निकालना है वहां गॉशियन सरफेस, ये रहा. तो ये गॉशियन सरफेस है और प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई और डी एस में एंगल जीरो. तो गॉशियन सरफेस जहां मर्जी लो एक स्फेयर के आसपास क्या बनेगा, एक इमेजिनरी स्फेयर. तो गॉशियन सरफेस इज एन इमेजिनरी स्फेयर. ठीक है यहां तक. ठीक, ये स्फेयर है. तो रूल नंबर वन, इस गॉशियन सरफेस का क्या निकलेगा, स्मॉल फ्लक्स. क्या निकलेगा, ईडीएस कॉस जीरो, ईडीएस कॉस जीरो स्मॉल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो ई इंटू इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 4π r² रेड में किया, रेड में, रेड रेड, समझ में आ रहा है यहां तक. तो फ्लक्स आ गया इसका, किसका, गॉशियन सरफेस का. गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या है, बड़ा आर की छोटा आर, तो एरिया 4π r², क्लियर हो गया. नेक्स्ट गॉस क्या कहता है, करने की जरूरत क्या थी, फिर से पूछ लेते, गॉशियन सरफेस का है, मैंने कहा ये रही, इसके अंदर चार्ज कितना है, ये रहा, ये वाला बस. तो उसने कहा जो भी आपको ये चार्ज दिख रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये चार्ज होगा क्या, रो, रो का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम. कितने वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, 4π r की छोटा आर, बड़ा आर. तो यहां पर छोटा नहीं पुट करना, यहां पर बड़ा आर क्यूब. समझ में आया, वॉल्यूम किसका लेना है, जहां पर चार्ज प्रेजेंट है. ये तो हवा है, यहां तो कुछ भी नहीं है. समझ में आया, यहां गड़बड़ छोटे और बड़े आर में होनी है और कुछ भी नहीं होना. तो बहुत क्लियर रूल है, जब फ्लक्स निकलेगा तो गॉशियन सरफेस का, तो रेडियस छोटा आर, और जब चार्ज निकलेगा तो ये वाला, ये वाला वॉल्यूम. राइट, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर लेते हैं. इक्वेट करते हैं तो 4π से 4π कैंसिल. याद करो फॉर्मूला ई का आंसर. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ई कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई. और अगर सरफेस के ऊपर ई निकालना है तो पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. कैपिटल आर पुट किया, कैंसल, आंसर. फॉर्मूला याद, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला. तो हमें ई की वैल्यू इनसाइड भी पता लग गई, ई की वैल्यू हमें सरफेस के ऊपर भी पता लग गई. अब लास्ट ई की वैल्यू अब मुझे कहां निकालनी है, इनसाइड, ओ सॉरी आउटसाइड पता लगी और सरफेस के ऊपर, इनसाइड, इनसाइड. तो इनसाइड में देखने वाली बात यह है, ये इनसाइड है और ये आपने लिए गॉशियन सरफेस. तो गॉशियन सरफेस जब मिलाएंगे, ये रही गॉशियन सरफेस. तो गॉशियन सरफेस जब मिलाएंगे तो ये बनेगी, सच दैट ये क्या है, सरफेस एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, e. तो इस गॉशियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, eds cos 0. कोई डाउट इसमें, eds cos 0. और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया क्या पुट करेंगे, 4π r² क्यों, क्योंकि गॉशियन सरफेस का जो रेडियस चल रहा है वो कितना है इसमें, स्मॉल. तो इसको ds 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 करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, 4π r² राइट. तो फ्लक्स आ गया. अब गॉस थ्योरम में गॉस क्या कहता है, इतना करने की जरूरत क्या थी, मेरे से पूछ लेते हैं फ्लक्स कैसे. उसने कहा मेरी गॉशियन सरफेस का है, मैंने कहा ये रही. वो कहता है बस इसके अंदर बोलो कितना चार्ज है, ये वाला बस. दिस इनसाइड का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मत बताना बाहर भी पड़ा, बाहर नहीं चाहिए मुझे. तो क्यों इनसाइड में कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट, रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
फोर पाई स्मॉल आर क्यूब, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो जो चार्ज निकालना है वो इतने पोर्शन का निकालना है जो इसके अंदर है, बस ये, और इसके अंदर जो चार्ज निकालना है तो वॉल्यूम भी किसका, सिर्फ इसी का ही कंसिडर किया जाएगा, बस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो चार्ज की वैल्यू निकाल ली है कहाँ पर, एक निकाली यहाँ, सॉरी, फ्लक्स की वैल्यू निकाली ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर यहाँ से, और फ्लक्स की वैल्यू निकाली रो इंटू फोर बाई इसका वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? जब हम ई डॉट डी एस से फ्लक्स निकालेंगे तो इस गॉशियन सरफेस का एरिया, क्लियर है, लेकिन जब हम चार्ज लेंगे तो गॉशियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है वो चार्ज लेंगे, ये भी क्लियर है। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ये मैंने दोनों को इक्वेट किया, 4 पाई आर सब कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ई का फॉर्मूला याद करना है, ई का एक और फॉर्मूला, फॉर्मूले कुछ ज़्यादा ही नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुए, अभी तो आपको एक मैं टिप देता हूँ, याद रखना और ये पक्का कर लेना, एक रजिस्टर लगा लो, मेरी सलाह मानो, एक रजिस्टर लगा लो, कलर पेन ले लेना, कुछ नहीं करना उसमें, रोज जो फॉर्मूले हम करेंगे वो उसमें लिख लेना, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले, कि ई का ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला, रिंग का ये फॉर्मूला, डिस्क का ये फॉर्मूला, आपका बहुत मोटा रजिस्टर भर जाएगा प्लस टू में। आपको फॉर्मूले का रजिस्टर लगाना ही चाहिए, उसका रीज़न है, जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन होगा, आप ये 11 वॉल्यूम्स हैं मेरे प्लस वन प्लस टू के, 11 किताबें नहीं देख पाओगे, आपको वो रजिस्टर ही बचाएगा, ठीक है। एक तो याद हो जाएगा फॉर्मूला लिखते हुए, और बहुत बच्चों ने ऐसे टेस्ट किया है, मेरे पास प्लस टू के बहुत बच्चे हैं, उन्होंने फॉर्मूलाज के रजिस्टर बनाए हैं, तो प्लीज़ आप फॉर्मूला का रजिस्टर बना लो अपना अपना, जो भी आप या जो आपको पता है कि ये काम की चीज़ है, मैं याद नहीं कर पाऊंगा या मैं ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है, आप एक लाइन लिख लो उसमें बस, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो ऑल्टरनेट डे पे चार फॉर्मूले भी लिख दिए तो एक साल में बहुत कुछ लिखा जाएगा, राइट, फ़ायदे में रहोगे, ये रजिस्टर आपको बहुत बचाएगा, क्योंकि जब फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं ना तो मैनेज नहीं होता सिलेबस, फिर उस केस में आप फटाफट फॉर्मूलाज की लिस्ट देखते हो, क्लियर है। तो डेरिवेशन तो करनी नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला नोट कर लो, राइट। तो ये क्लियर है यहाँ तक? हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा कोशिश की है, बहुत मुश्किल है, एक बार टॉपिक लिखने के बाद फिर से टॉपिक को लिखना ये आसान नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा क्योंकि मुझे पता है जब स्टूडेंट रिवाइज करता है तो फटाफट फॉर्मूला देखेगा। तो पहला फॉर्मूला, इस सॉलिड स्फेयर के बाहर अगर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है तो ये फॉर्मूला, और अगर सरफेस के ऊपर निकालना है तो ये फॉर्मूला, सरफेस के अंदर निकालना है तो ये फॉर्मूला, इसके अंदर ई जीरो नहीं होता, तो तीनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, रो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 बाय कैपिटल आर क्यू, तो कैंसिल करने के बाद ये आंसर, अरे आंसर तो सेम ही आ गया। तो शेल का पॉइंट चार्ज का सॉलिड स्फीयर का अगर कोई पॉइंट बाहर लाए करता है आंसर इज सेम, पर ये यूज करो या ये यूज करो एक ही बात है, काफी बुक्स ये भी यूज करती हैं पर ये भी कर सकते हो, क्लियर है। और अगर सरफेस के ऊपर जाना है तो रो को चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम कैंसिल करने के बाद आंसर सेम, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, बस। चलो ये तो अच्छा फॉर्मूला है, ये तो याद रहेगा। और अगर इनसाइड जाते हो फिर मत पुट करना रो, इनसाइड में रो कम हो जाता है, रो प्रॉपर, तो फिर यही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ही यही याद करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि जब आप आउटसाइड हो तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आप इनसाइड हो तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जब आप इनसाइड हो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और जब आप बाहर चले गए हो तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मार्क करने को आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जब आप देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है बता देता हूँ, जब आप सॉलिड स्फीयर करते हो ना स्पेशली, जब केस नंबर वन करते हो, जब आप बाहर ई निकालते हो तो इसके फ्लक्स में ई इंटू फोर पाई छोटा आर स्क्वायर, लेकिन जब आप चार्ज निकालते हो तो इसके अंदर ये पूरा चार्ज लेना होता है तो वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लेना होता है, राइट। लेकिन जब आप इनसाइड निकालते हो, इनसाइड में गॉशियन सरफेस में तो स्मॉल आर स्क्वायर ही आता है,
लेकिन चार्ज निकालने में बस अंदर का वॉल्यूम आता है जो कि 4π 4/3π स्मॉल आर क्यूब होगा, उसमें कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, इसी रिजल्ट में वेरिएशन आती है। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ई की वैल्यू क्लियर है यहां तक? ठीक। क्लियर है यहां तक? तो एक टॉपिक शीट वाला रह गया, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होएगी। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं इसके फ्लक्स के, जो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर तो क्लोज है। देखो हमारे यहाँ एक बड़ी क्लियर चीज है, थ्योरी में वक्त ज्यादा लगता नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है, शीट तो बनी हुई है, फटाफट। हाँ, टाइम कहाँ लगता है? इसका सब्जेक्टिव टेस्ट रेडी रखो, बस नेक्स्ट टाइम रेडी है। एनसीईआरटी लिखवाना भी तो है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है इस संडे, कमिंग संडे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जेक्टिव, ओनली फील्ड, पॉइंट चार्जेस ओनली, जैसे जो किया मैं लिस्ट बना के दे दूंगा आपको, संडे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्टिव को, या डायपोल या टॉर्क या वर्क डन, बस उतना, राइट। तो धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। और इस हफ्ते सैटरडे के ऑलमोस्ट सैटरडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होगा फ्लक्स का, पहले बता दूँ, साथ साथ पढ़ना जितना भी होगा, ठीक। ऑनलाइन जा सकते हो।